नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। उज्जैन में फुटवेयर व्यापारी की जेब में रखा मोबाइल गर्म होने के बाद फट गया। धमाके के बाद आग लगने से व्यापारी की जींस जल गई और पैर झुलस गया। आग बुझाने की कोशिश में व्यापारी का एक हाथ भी हल्का सा झुलस गया। निर्मल पमनानी की शहर के निजातपुरा में गंगा फुटवेयर के नाम से जूते चप्पल की शॉप है। वो शनिवार को दुकान पर बैठे थे, तभी दोपहर में जींस में रखा रेडमी का मोबाइल गर्म होकर फट गया। उनकी जींस में आग लग गई। पास में ही बैठे निर्मल के दोस्त ने आग बुझाई और जींस फाड़कर जलता हुआ मोबाइल निकाला। इसके बाद व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया गया। मोबाइल फोन में धमाके का ये पहला केस नहीं है। ज्यादातर केसेस में मोबाइल फोन फटने की वजह बैटरी होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि फोन को फटने से कैसे बचाया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी के फोन बैटरी और चार्जर ही इस्तेमाल करना होता है। फोन पर लगातार 2 से 3 घंटे बात नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी हो तो ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी के मौसम में कभी भी बंद कार के अंदर फोन को नहीं छोड़ना चाहिए। चार्जिंग पर लगाकर फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बैटरी अगर फुल हो गई है तो उसे फौरन ही बदलवा लेना चाहिए। मोबाइल को ओवरचार्ज करने से भी बचाना चाहिए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।